देखिए वायराइड्स जो होता है ये लैटिन वर्ड वायरस और इवाडेस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस डिमिनिटिव। ये जो है लैटिन वर्ड वायरस से बना है। देखिए इस पार्टिकल को सबसे पहले डीनर ने खोजा था, डीनर DIENER, ठीक है, 1971 में। ठीक, ये सबसे छोटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल। ये इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रोटीन कोट नहीं पाया था। ये इन्फेक्टियस आरएनए पार्टिकल है, आरएनए पार्टिकल विच आर, जिसके ऊपर किसी तरह का प्रोटीन कोट नहीं होता, डिवाइड आ प्रोटीन कोट, ठीक है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है काफ़ी कम होता है, लो मॉलिकुलर वेट, ठीक। और जिसमें आरएनए जो होता है वो टाइटली फोल्ड होता है और सर्कुलर या लीनियर हो सकता है। आरएनए इज टाइटली फोल्ड, टाइटली फोल्डेड, ठीक है, बहुत टाइटली फोल्ड होता है, टू फॉर्म सर्कुलर आर लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए जो वायराइड्स होते हैं वो मेनली प्लांट में ही डिजीज कॉज करते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे पहला हो गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, क्राइसेंथेमम किसको कहते हैं, गुलदाउदी को, ये जापान का नेशनल फ्लावर भी है। इसके अलावा साइट्रस एग्जोकोल्टिस, ये क्वेश्चन आ चुका है, साइट्रस एग्जोकोल्टिस बीएचयू में पूछा गया है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो ऐसे डिजीज़ के नाम हैं जो कि वायराइड्स के द्वारा होते हैं। देखिए एक पार्टिकल आता है वायरोस वायरस, ठीक है। इसको रेंडल्स ने खोजा था, रेंडल्स रेंडल्स एंड एट ऑल, मतलब उनके साथी भी थे, ठीक है। ये इन्फेक्टियस वायरस होते हैं, दे आर दीज आर आरएनए वायरसेस, दीज आर, देखिए ये आरएनए वायरस होते हैं लेकिन ये किसी बड़े वायरस के कैप्सिड के अंदर रहते हैं, बट इनसाइड द कैप्सिड ऑफ अदर लार्जर वायरस, ठीक है। अब देखिए ये होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन करते हैं लेकिन ये डिजीज उत्पन्न नहीं करते हैं, दे रेप्लिकेट विद इन द होस्ट एंड डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन, ठीक है। दे रेप्लिकेट विद इन द होस्ट एंड डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन, एक भी इन्फेक्शन ये कॉज नहीं करते इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रियॉन्स, प्रियॉन्स जो होता है इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल होता है, इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ डिजीज कॉज करता है, जैसे मैड काउ डिजीज एक बार हुआ था ब्रिटेन में,
जिसको खाने से गाय जो होती थी वो पागल हो जाती थी, और उसको जिन लोगों ने उस गाय की मांस को खाया था वो भी इस डिजीज से ग्रसित हो गया था। तो देखिए होता क्या है कि जो गाय जो होती है वो वेजिटेरियन होती है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में उसकी मांस को खाया जाता है। तो वहाँ पे करते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मांस का उत्पादन करने के लिए, जिसको बीफ कहते हैं, गाय को, गाय की हड्डियाँ, जो मरी हुई गाय होती है उनकी हड्डियों को पीस कर पाउडर के फॉर्म में दिया जाता था। वहीं कहीं से प्रियॉन्स बना और वो इन्फेक्शन कर दिया, जिससे कि गाय पागल होने लगी, और उसकी मांस का सेवन जिन लोगों ने किया वो भी पागल हो गया, और उसकी भी डेथ उसी तरह से हुई जैसे कि उन काउस की हुई थी। तो कुछ डिजीज़ हैं जिसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो है वो है लाफिंग डेथ डिजीज़ इन ह्यूमन, जिसको हम कुगू डिजीज़ कहते हैं। कुगू डिजीज़, कुगू डिजीज़, इसको लाफिंग डेथ भी कहते हैं। लाफिंग डेथ डिजीज़ इन ह्यूमन, ह्यूमन में होता है ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा है BSC, मैड काउ डिजीज़, BSC, बोबाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसको मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं, मैड काउ डिजीज़, ठीक है। बोवाइन लिख देता हूँ, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म, मतलब इसमें ब्रेन जो होता था स्पॉन्जी हो जाता था, स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलो पैथी, ठीक है। इसके अलावा भेड़ में स्क्रैपी डिजीज भी होता है, इससे स्क्रैपी डिजीज, स्क्रैपी डिजीज, और क्रिट्स फेल्ट जेकब डिजीज भी इससे होता है, फेल्ट जेकब डिजीज, ठीक है। तो ये प्रियॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर प्रियॉन्स से ही पूछा जाता है कि कौन सी ऐसे हैं जो कि जिसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता फिर भी वो इन्फेक्टियस है। तो प्रियॉन्स में कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ प्रोटीन ही होता है इसके अंदर, और प्रोटीन का ही पार्टिकल इन्फेक्शन कर देता है।